Hey friend, welcome back to my channel. Please do like, share, subscribe करना बिल्कुल ना भूलना. ऐसे ही latest update video जानने के लिए मेरे channel को click करो, subscribe करो, जिससे आपको ऐसे ही new update मिलते रहे और new interesting drama series आप सबको मिलते रहे. तो चलो start करते हैं video. Don't skip my video. एपिसोड की शुरुआत में जिया रो रही होती है, जहाँ डॉक्टर बोलता है इस तरीके से तुम रो मत, रोती भी तुम अच्छी नहीं लगती हो. और वो उसे दिलासा देता है उसका हाथ पकड़ के कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. यहाँ पे कहती है आई होप सो. दूसरी तरफ देखने को मिलेगा लुयान को, जहाँ अपने दिमाग में प्लानिंग कर रही होती है. तभी यहाँ पे कहती है आह मेरे स्टमक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कहीं मेरे बेबी को कुछ ना हो जाए. देखो ने जिया ने पुश किया है मेरे बेबी को. यहाँ पे वो बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन बोलती है जिया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तुम हमेशा उसकी बात क्यों सुनती हो, मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो. ये बच्चा जो है फ्रेंड लुयान का फूसे है. अब यहाँ पे ये बेचारी बात जिया को भी अभी पता चलती है कि मतलब फू का और लुयान का भी रिलेशनशिप ऐसा हो चुका कि उन दोनों के बीच में एक बेबी भी है. अब वो बेचारी क्या करे. यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, अपने बच्चे को तो खो ही चुकी है. यहाँ पे जो रहती है फ्रेंड सर्वेंट वो बोलती है मैं जा रही हूँ, तो कहती है उसकी सर्वेंट करे नहीं आप यहीं रहो, जहाँ लुयान से सर्वेंट मिली हुई है फ्रेंड पैसों के लिए. अब वो दोनों मिल के आप जिया के साथ क्या करते हैं देखो. यहाँ पे वो बोलती है कि आप ये लो गरम चाय पी लो, जहाँ वो गिरा देती है जानबूझ के. और यहाँ पे वो बोलती है देखिए मैं दे रही थी और इसने मुझे ज़्यादा धक्का दिया, मतलब उल्टा ही जिया के ऊपर ब्लेम. सारे लोग घर का नौकर तक ने भी जिया को नहीं छोड़ा है फ्रेंड. यहाँ पे कहता है तुम्हें पता है ना कि नैनी को मैं कितने सालों से रख रहा हूँ अपने साथ, अब तुम ऐसा मत करो. यहाँ पे बोलती है लुयान अरे छोड़ो गलती हो गई जिया से, माफ़ कर दो हम, इसे गुस्सा इस तरीके से सही नहीं है. उसे बंद करवा देता है जिया को रूम में, जहाँ बेचारी जिया रूम में बड़ी भी होती है, जहाँ फू आता है अंदर उसको घसीटता हुआ लेके जाता है बेड पर और कहता है कि ये सब जो तुम करती हो क्या तुम्हें अच्छा लगता है, ये बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो. यहाँ पे वो वीडियो दिखाता है जहाँ डॉक्टर उसका हाथ पकड़ रहा था. अब ये बात देख के जिया बोलती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो. अब फ्रेंड सच में बात तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन कन्फ्यूज़न तो कन्फ्यूज़न होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि पूछो ही मत. तो यहाँ पे कहता है ठीक है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ. जहाँ बेचारी जिया के साथ अगेन वो एकदम से उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है, जहाँ जिया मना करती है प्रेसिडेंट फू को, लेकिन नहीं बाहर से ये सारी आवाज़ लुयान सुन रही थी, जहाँ लुयान को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि काम तो उसने ही करवाया था ये डॉक्टर वाला, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया है. इधर वो सो जाती है, तभी यहाँ पे फू भी उसे सोने देता है, उसे उठाता नहीं है. नेक्स्ट डे जब वो उठती है मॉर्निंग में तो कहता है आओ समीर के साथ में खाते हैं. यहाँ बोलती है कि मुझे खाने का मन नहीं है. फू कहता है हम लोग एक फैमिली हैं, मैंने कहा आओ बैठो साथ में खाओ. यहाँ पे कहती है मैं खूनी इंसानों के साथ नहीं खाती हूँ और वो लोग को मैं अपनी फैमिली नहीं बनाती हूँ. लुयान कहती है कि देख रहे हो ना जिया तुम ऐसा मत करो, क्यों तुम प्रेसिडेंट फू को हमेशा गुस्सा दिलाती हो, मतलब फू का संपत्ति पाने के लिए लुयान कुछ भी कर सकती है. यहाँ पे तीनों जिया लुयान और सर्वेंट जाती है जहाँ कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ फ़ोन हो करता है फू का कि एक्सीडेंट हो गया, जहाँ बेबी का मिसकैरेज दिखाता है. काफ़ी ज़्यादा डर जाता है फू कहीं उसका बच्चा मर ना जाए, जल्दी से लुयान को कहता है हॉस्पिटल लेके जाने के लिए. यहाँ पे सर्वेंट है उसको भी काफ़ी कस के चोटें आई थी, फिर वो बोलती है कि ये सब जिया ने जानबूझ के किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बेबी करे, इस वजह से उसने ही किया है, उसने तो फिर से ब्लेम कर दिया. इधर बेचारी जिया का भी एक्सीडेंट हुआ हुआ रहता है जो ड्राइव कर रही होती है, लेकिन वो उसे निकालता है फ्रेंड और बहुत ज़्यादा जिया को मारता है, मतलब इस तरीके से बेरहमी से. बेचारी जिया कहती है इसमें भी क्या मेरी ही गलती थी. यहाँ पे कहता है क्योंकि तुम चाहती नहीं हो मेरा कोई ए बेबी हो, इसी वजह से तुम ऐसा करती हो हमेशा. यहाँ पे कहती है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने जानबूझ के जो भी किया है. तुम समझ रहे हो, क्यों नहीं समझते हो तुम मेरी बात. यहाँ पे कहता है मैंने तुम्हारी बात बहुत सुन लिया, समझ लिया, अब मुझे कुछ नहीं समझना है. जहाँ बोलती है सर्वेंट ये सब तो जिया नहीं किया था, मैंने देखा था कार के पहले वो गई थी और
और वो कुछ कर रही होती है जहाँ बोलती है लुयान मेरा बेबी लॉस हो चुका है। यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे डॉक्टर उसे लेके जाते हैं जहाँ वो कहता है सब ठीक है, बस तुम्हें स्ट्रांग बनना है। यहाँ पे लुयान का जो है फिर मिस कैरेज हो चुका होता है उस एक्सीडेंट की वजह से, जहाँ वो जाती है और कहती है कि इसमें तुमने ही किया है, मुझे इसका जवाब चाहिए। जहाँ बोलती है सर्वेंट कि तुम यहाँ क्यों आई है, जाओ यहाँ से। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है। फ्रेंड यहाँ पे बोलती है मुझे बात करनी है फूसे, लेकिन फूसे मिलने नहीं देती है। लुयान जानबूझ के और उसके हाथ को पूरा कुचल देती है और उसे बहुत ज़्यादा मारती है। ऐसे ही फ्रेंड जिया को हार्ट का डिसीज हो चुका है, जहाँ कि वो कोई इतना मार खाएगा तो फ्रेंड उसे इंटरनल प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, जहाँ उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, काफ़ी कोल्ड हो जाती है उसका हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से। जहाँ बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें कभी भी फू नहीं मिलेगा। तभी वहाँ से फू आता है तो बात को पलट देती है लुयान, कहती इतनी बारिश में मत आओ। यहाँ पर वो बोलती है ये पैसे मांग रही थी तो मैंने कहा कि पैसे नहीं है, जब तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है फू के साथ। तो यहाँ पर वो कहती है जिया ये सब झूठ बोल रही है, मुझे पैसों से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी थी। यहाँ पे कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ जिया कॉल करती है डॉक्टर को कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट दिन में डॉक्टर उसे हॉस्पिटल एडमिट करता है। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हारी एज ही क्या जिया, तुम्हारी एज इतनी कम है, फिर तुम इतना वायलेंस क्यों अपने हस्बैंड का सह रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम्हें पता है हार्ट का डिसीज़ है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम क्या करोगी, ये मजाक मत समझना, ये वायलेंस क्यों बर्दाश्त कर रही हो। तभी वहाँ आ जाता है फू और कहता है तुम मेरी वाइफ को क्या बोल रहे थे। यहाँ पे कहता है अगर आप उसके हस्बैंड हो तो सीरियसली एक बात सुन लो, इसका हार्ट डैमेज हो चुका है क्योंकि इसके वायलेंट की वजह से, इतना मारपीट होने की वजह से, और आप एक हस्बैंड होकर अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसे कुछ भी होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे क्योंकि ये बैडली इंजर्ड इंटरनल पूरी है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। जहाँ बोलता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, ये तो मुंह पे बोल देता फू। इधर जा रही होती है जिया डिस्चार्ज होके फ्रेंड, तभी यहाँ पे लुयान का बात सुनती है जो कि लुयान अपने बॉयफ्रेंड का था। इन दोनों का रिलेशनशिप फ्रेंड 10 साल से चल रहा था और वो जो बेबी था वो लुयान के बॉयफ्रेंड का था और नाम उसने फू का रख दिया था। जहाँ ये सब चीज़ जिया सुन लेती है, लेकिन फ्रेंड जिया तो बेवकूफ़ है, पकड़ी तो ज़रूर जाएगी, इतना आसानी से तो सब कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग था, फिर पता नहीं एक्सीडेंट की वजह से क्या हो गया, और जब काफ़ी फूड ड्रंक में था तो उसको गलतफहमी करवा दी थी कि लुयान के साथ टाइम स्पेंड किया जिसके साथ उसका बेबी है। जहाँ लुयान का बॉयफ्रेंड देखता है कोई है और उसे पकड़ लेता है और पकड़ के जिया को अंदर लेके जाता है। यहाँ पे कहता है चोरी चुपके हम लोगों की तुम बातें सुन रही थी, एक जैसे ठीक ही करता है। यहाँ पे कहती है तुम्हें जो करना करो मैं जा रही हूँ, वो बाहर चली जाती है लुयान। यहाँ पे बेचारी काफ़ी डर जाती है। जिया कहती है ऐसा जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे कहता है नहीं तुमने तो मेरी बात सुनी लिया तो ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो उसको बेड पे पटक देता है जहाँ उसके साथ फ्रेंड इंटीमेट होने की वो कोशिश करता है। जहाँ जिया काफ़ी हाथ पैर मारती है कि नहीं उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड बंदा तो तैयार ही नहीं थे। तभी आता है फू जिसे देख के काफ़ी गुस्सा करता है, लुयान के बॉयफ्रेंड को इतना मारता है। जहाँ लुयान का बॉयफ्रेंड कहता है ये मैंने नहीं इसने करा, ये मुझसे कह रही थी कि मैं कभी खुश नहीं हूँ, मुझे खुश कर। तो कहता है कि तू निकल बाहर पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ तुझे। जहाँ लुयान का काफ़ी डर से हालत ख़राब था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या करेगा, कहीं से वो जान से ना मारते। आगे क्या होगा फ्रेंड ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।